हाय गाइस, वेलकम टू सपना कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड रोल। बहुत ही इजीली बनाएंगे और इसका टेस्ट एकदम मज़ेदार होगा। ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे घर के रखे हुए चीज़ों से बनाएंगे डिलीशियस चिकन ब्रेड रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक बोल में चिकन ले लिया है, ऐसे छोटे छोटे क्यूब में हमने कट कर लिया है चिकन को। और अब हम इसमें ये दही डालें। दही हमने आधा कप लिया और ये जीरा पाउडर हमने डाला, एक बड़ी चम्मच जीरा पाउडर है। आप फ्रेशली कुटी हुई जीरा पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और अब हम इसमें ये रेड चिली पाउडर डालेंगे, हमने आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डाला। और ये नमक डालेंगे, एज़ पर टेस्ट आप नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, एक चम्मच हमने डाला। और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमें इसे मिक्स करके हमें इसे आधा से एक घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब हम एक तवा या कढ़ाई, आप जो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमने बटर डाला। आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक बड़ा चम्मच बटर डाला और अब हम इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम या फिर लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे ड्राई होने तक फ्राई करना है। देखिए, इस तरीके से हमारा चिकन अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। 4 से 5 मिनट में ये बढ़िया फ्राई हो जाएगी। अब हमने एक बोल में 2 अंडे ले लिए हैं, उसमें हमने नमक डाला, आधा छोटी चम्मच नमक डाल के उसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अब हमने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसके साइड्स हमने कट कर लिए हैं और ऊपर से हमें मेयोनीज लगा लेना है एक लेयर। चारों तरफ देखिए, इस तरीके से हमें मेयोनीज लगा लेना है। और अब हम इसमें चिकन डालेंगे, जो चिकन हमने फ्राई किया था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। देखिए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इस तरीके से इसमें चिकन डाल देना है। आप यहाँ पर स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा या कम चाहिए। और देखिए, इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। हमें इसे साइड्स को अच्छी तरीके से चिपका लेना है। आप फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करें। और जो हमने अंडे बीट किए थे उसमें हमें इसे डिप कर लेना है अच्छी तरीके से, और फिर हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। हमने 3 से 4 ब्रेड ग्राइंडर में मिक्स कर लिया और हमें हमारा ब्रेड क्रम मिल गया। तो इसी तरीके से आप घर में इजीली ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम से कोट कर लिया और इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड क्रम से रोल तैयार कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे चिकन ब्रेड रोल को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया और रोल को डाल के अच्छी तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी रोल बिल्कुल जल जाएगी। तो हमें इसे आलट पलट के दोनों साइड से फ्राई करने में 5 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन ब्रेड रोल कितनी बढ़िया फ्राई हो रही है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे एकदम लाइट कलर रखना है। तो देखिए, हमारी चिकन ब्रेड रोल बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी चिकन ब्रेड रोल। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए, लग रही है ना एकदम मज़ेदार। आप इसे सर्व कीजिए मेयोनीज के साथ या केचप के साथ। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।